आज हम बात करने वाले हैं जीन्स के बारे में। जाहिर सी बात है, अगर जीन्स में लगना है एकदम कमाल का, तो कमाल की जीन्स भी हमें खरीदनी पड़ेंगी। तो कैसे ढूंढें वो कमाल की जीन्स, इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ वो सब चीज़ें जो मैंने सीखी हैं जीन्स खरीदने के बारे में। जब आप जीन्स खरीदने जाएं, पहली चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी जीन्स का कपड़ा। आजकल स्ट्रेच कपड़ा आराम से मिल जाता है, और ज़रूरी है कि आपकी जीन्स में थोड़ा सा, एटलीस्ट थोड़ा सा स्ट्रेच ज़रूर हो। स्ट्रेच होने से एक तो आपकी जीन्स ज़्यादा आरामदायक हो जाएंगी और आपके शरीर का आकार ले लेंगी ये जीन्स एकदम आराम से, और इसीलिए ये जीन्स ज़्यादा सुंदर लगती हैं। अब आते हैं हम टिप नंबर 2 पे, जो है आपका साइज़। आपकी जीन्स का साइज़ आपके साइज के अनुसार एकदम परफेक्ट मैच होना चाहिए। अब आप बोलेंगे ये जाहिर सी बात है, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने साइज से बहुत बड़े साइज की जीन्स पहनते हैं या बहुत छोटे साइज की जीन्स पहनते हैं। तो अगर आपकी जीन्स आपके पजामे के जितनी आरामदायक हैं, तो चांसेस ये हैं कि आपकी जीन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लूज हैं और आपको एक साइज छोटा जीन्स का खरीदना चाहिए। अपने साइज से और छोटी साइज की जीन्स पहनना, बहुत बहुत टाइट जीन्स पहनना, ये तो बहुत ही बड़ा फैशन का गुनाह है और ये बहुत 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 भद्दा लगता है। अब कैसे पता करें कि आपकी जीन्स आपके लिए बहुत टाइट हैं? नंबर 1 तो ये है कि आपको वो महसूस होगा। अगर आपको वो जीन्स पहनने में बहुत कठिनाई हो रही है, नेल्स टूट जाते हैं, तो शायद आपकी जीन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइट हैं। अगर वो जीन्स पहन भी ली आपने और पहनने के बाद ना आप बैठ पाते हैं, ना आप खा पाते हैं और ना आप सांस ले पाते हैं आराम से, तो ये जीन्स आपके लिए बहुत टाइट हैं। अगर आपकी जीन्स इतनी टाइट हैं कि आपके बट को एकदम चपाट चपट कर देती हैं, तो ये जीन्स आपके लिए बहुत टाइट हैं। और अगर जीन्स की कमर के ऊपर पेट बाहर आता है, तो भी ये जीन्स आपके लिए बहुत टाइट हैं। तो ये थे कुछ आसान से तरीके ये पता करने के लिए कि क्या आपकी जीन्स आपके लिए बहुत टाइट हैं। इसके बाद हम आते हैं तीसरी चीज पे जो आपको ध्यान रखना चाहिए जीन्स खरीदते समय, वो है आपकी राइज, जीन्स की राइज। अब जीन्स की राइज 3 तरह की होती है, लो राइज, मिड राइज और हाई राइज। लो राइज वो होता है जिसकी कमर एकदम नीचे होती है, बहुत बहुत ज़्यादा नीचे होती है। मिड राइज होता है जो नेवल से 1 या 1.5 इंच नीचे होती है, और हाई राइज होती है जो आपके नेवल के ऊपर आ जाती है। तो अब कौन सी राइज आपके लिए सही है? लो राइज तो उन लोगों के लिए एकदम सही है जिनका मॉडल जैसा फिगर होता है, एकदम फ्लैट एब्स होते हैं या 6-पैक एब्स अगर आप अपने दिखाना चाहें, तो लो राइज जीन्स पहनिए, क्रॉप टॉप पहनिए। और अगर आपको ज़्यादा हिलना डुलना झुकना नहीं पड़ता, तो भी लो राइज जीन्स आपके लिए ठीक हैं। पर अगर मेरे जैसे आपके बच्चे हों जिनको आपको गोदी में उठाना पड़े, या आपको बहुत ज़्यादा झुकना हिलना डुलना पड़े, तो लो राइज जीन्स ना खरीदिए, मिड राइज जीन्स खरीदिए। क्योंकि किसी को भी देखना पसंद नहीं है कि आप झुकें और आपके और पीछे से सब कुछ दिखने लगे। आप समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो मिड राइज जीन्स ज़्यादातर लोगों के लिए सही होती हैं। मिड राइज जीन्स का एक और फ़ायदा है कि पेट के निचली तरफ अगर थोड़ा सा मोटापा हो, तो वो भी कवर हो जाता है मिड राइज जीन्स के साथ। अब बात करते हैं हाई राइज जीन्स की। हाई राइज जीन्स ना कई लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, कई लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ये आप पे निर्भर करता है आपको पसंद आती हैं या नहीं। मुझे तो ये बहुत पसंद है क्योंकि ये और एकदम फ्लैट दिखने लगता है आपका पेट। तो अगर पेट पे चर्बी हो या पेट पे मोटापा हो, तो हाई राइज जीन्स सब कुछ अंदर पुल कर देती हैं। और जो वो लो राइज और मिड राइज जीन्स पे जैसे होता है ना कि जीन्स की कमर के ऊपर आपका
पेट बाहर निकल रहा हो, वो सब हाई राइज जीन्स से नहीं होता। जीन्स एक ऐसा जादुई कपड़ा है जो पहनते ही आपको 3-4 kg पतला बना सकता है। जीन्स में पतला लगने के लिए सबसे जरूरी चीज है जीन्स का रंग। पतला और लंबा लगने के लिए आपको जीन्स चुननी है गहरे रंगों में, एकदम डार्क कलर्स की जीन्स चुनिए। इतना ही नहीं, पतला और लंबा लगना हो जीन्स में तो ऐसी जीन्स चुनिए जो एक ही कलर की हो ऊपर से लेके नीचे तक। अगर आप ऐसी जीन्स चुनेंगे जिसमें फेडिंग हो, जो बीच में से हल्के रंग की हो और साइड में से डार्क रंग की हो, जैसी जीन्स आजकल मिलती हैं, वो जीन्स में आप उतने पतले नहीं लगेंगे जितना आप एक ही रंग की जीन्स में लग सकते हैं। अब पतला लगने के लिए एक और चीज़ जो आप ध्यान में रख सकते हैं वो है कि वो धागे का रंग जो इस जीन्स में यूज़ किया गया हो, अगर धागे का रंग और जीन्स का रंग मैच करेगा तो ये आपको लंबा और पतला और लगवा सकता है। जीन्स खरीदने का मेरा आखिरी टिप जो काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जब हम जीन्स पहनते हैं, ट्राई करते हैं और ख़रीदने जाते हैं, हम शीशे में आगे की तरफ देखते हैं, टर्न करके साइड से देखते हैं, पर पीछे देखना हम भूल जाते हैं। और पीछे के पॉकेट्स जो जीन्स पे लगे होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बट जो है वो थोड़ा ऊपर लगे और वो थोड़ा राउंडर और फुलर और बड़ा लगे, तो आपको ऐसी जीन्स चुननी है जिसके पॉकेट्स छोटे हों और पॉकेट्स एकदम बट के ऊपर हो। अगर ये पॉकेट्स काफ़ी नीचे होंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका बट नीचे जा रहा है, जो किसी भी नहीं चाहिए होता है। एक और चीज़ जो मदद कर सकते हैं आपके बट को ज़्यादा बड़ा दिखने के लिए, वो है कि पॉकेट्स के ऊपर फ्लैप्स हों और एम्बेलिशमेंट्स हो। इसी के विपरीत, अगर आपको चाहिए कि आपका बट और पीछे का हिस्सा छोटा दिखे, तो आपको चाहिए पॉकेट्स जो बड़े हों। बड़े पॉकेट्स इतने भी बड़े नहीं कि वो आगे तक आए। तो ये थी मेरी टिप्स जीन्स खरीदने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये टिप्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको वो एकदम बढ़िया वाली जीन्स मिलना शायद थोड़ा आसान हो जाए। मैं आपको देखूँगी अगले वीडियो में।